गुरुवार को तहसील पुलिस पेट्रोलिंग करी थी, जिस दौरान पुलिस को एक कार संशयास्पद अवस्था में दिखाई दी। कार्यवाही करने पर पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दो आरोपी घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी से कुल 2,82,000 रुपए का मुद्देबा जब्त करने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर इन्होंने दी। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को तहसील पुलिस गश्त पर थी, जिस दौरान उन्हें टिमकी मेन रोड पर एक मोबाइल शॉप के सामने एक लाल रंग की टवेरा गाड़ी संशयास्पद अवस्था में दिखी, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी की छानबीन की, जिस दौरान उन्हें सफेद रंग की प्लास्टिक बैग में 210 ग्राम गांजा मिला है, जिसकी कुल कीमत 2100 रुपए थी। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। आज रोज ही सवेरे हमारे मार्गदर्शन पे एपीआई संदीप बागुल, ASI संजय दुबे, नायब कांस्टेबल पुरुषोत्तम, पुलिस कांस्टेबल यूनुस खान और नितिन ये पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उनको टिमकी मेन रोड पे श्री मोबाइल्स के सामने एक लाल रंग की टवेरा गाड़ी जिसका नंबर MH41C4010 है, ये संशयास्पद दिखी। उन्होंने तुरंत दो पंच को कॉल करके गाड़ी की झड़ती ली, तो गाड़ी के फ्रंट सीट के ऊपर एक सफ़ेद कलर की प्लास्टिक बैग थी, जिसमें गांजा पाया गया। वो गांजा 210 ग्राम था, 2100 रुपये का, और इसी साथ गाड़ी को और वहाँ जो गाड़ी में आरोपी बैठा था उसका नाम था सलमान खान उर्फ रहमान खान, उम्र 26 साल, मुकाम हलदारपुरा, हज हाउस के पास, PS गणेश पेट, और दो बैठे हुए भगे हैं, इनको पुलिस स्टेशन में ला के उनके खिलाफ NDFS एक्ट कलम 20 कलम 29 के अंतर्गत मामला दर्ज कर रहे हैं, और कुल इसमें 2,82,500 रुपये का माल हमने जब्त किए हैं, और अभी आरोपी सलमान खान वल्दर रहमान खान इनको विद्यमान कोर्ट में पुटअप करके उनका PCR लेंगे कि जो दो लड़के भागे वो कौन है और ये गांजा कहां से लाया था, इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे। इस वक्त पुलिस ने आरोपी सलमान खान और रहमान खान को गिरफ्तार किया, वही दो आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी जाँच पुलिस द्वारा जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।